Bismillah ar-Rahim, dear students. Today we are going to read the name read the first poem of our book. The book is in textbook board 9th. हम poem पढ़ने जा रहे हैं the name tree और लिखी है Mrs. Elsa Kazi ने. Mrs. Elsa Kazi commonly known as Mother Elsa, particularly in the Sindh province of Pakistan. She was the German wife of Allama I.I. Kazi, the late vice chancellor of the University of Sindh. She was born in Germany. She met Allama I.I. Kazi in 1907 in London, and in 1910 was married to him. She was a writer of one-act plays, short stories, novels, and history, and a poetess. She was a composer and a musician of considerable achievement, involving virtually every conspicuous branch of fine arts. अब हम poem read करते हैं. My lovely knee that intersects sun's scorching beams, yet bears the heat all day, without the rain's refreshing spray. ओके स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारे सिंध में नीम ट्री बहुत कॉमन है और आपने देखा होगा कि बहुत घना उसका साया होता है. मिसेस एल्सा काज़ी जो है सिंध में चूँकि रहती थी, मतलब शादी वगैरह वो यहीं आई थी, हैदराबाद में रहती थी, तो उन्होंने जब नीम ट्री देखा तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई और उसके लिए उन्होंने पोएम लिखी. और वो नीम ट्री को मुखातिब करके कहती हैं, मेरे प्यारे नीम के दरख्त डेट इंटरसेप्ट स्कॉर्चिंग बीम. इंटरसेप्ट कहते हैं बीच में रोक लेना, रास्ते में रोक लेना, कट कर देना. स्कॉर्चिंग वेरी हॉट, जलता हुआ बीम्स श्राइन. मेरे प्यारे नीम के दरख्त, तुम जो सूरज की जलती हुई शाम को बीच में रोक लेते हो और पूरा दिन धूप और गर्मी को बर्दाश्त करते हो बगैर किसी बारिश के रिफ्रेशिंग स्प्रे के. आपको पता है अच्छी तरह कि हमारे सिंध में बारिश बहुत कम होती है. द चार्मिस्ट द वॉन्डरर्स वो अवे विथ सूदिंग शेड. दाव जो है वो एंशियंट इंग्लिश में यू के लिए यूज़ होता है. तुम जो चार्मिस्ट वॉन्डर वॉन्डर मुसाफिर राहगीर को कहते हैं, तुम जो अपने अपने सूदिंग शेड से, अपने आराम पहुंचाने वाले साय से मुसाफिरों को राहगीरों को आराम पहुंचाते हो, उनकी तकलीफ दूर करते हो. हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, हाउ ग्रीन द लीव्स इन स्पाइट ऑफ ऑल द मिडडे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल अपॉन द अनप्रोटेक्टेड हेड. हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, तुम कितने मजबूत हो, तुम कितने निडर या बहादुर हो. और दाय जो है वो योर के लिए यूज़ होता है. हाउ ग्रीन दाई लीव्स, कि तुम्हारे पत्ते जो हैं वो कितने सरसब्ज हैं इसके बावजूद कि दोपहर में, आपको पता है दोपहर में सबसे ज़्यादा जो है वो पीक का जो मौसम होता है और सूरज सबसे ज़्यादा जो गर्मी दे रहा होता है वो दोपहर का टाइम होता है. तो दोपहर के टाइम जब सबसे ज़्यादा जो है वो सूरज की गर्मी जो है वो बरस रही होती है, उसके बावजूद तुम वो सब कुछ बर्दाश्त करके भी तुम्हारे पत्ते उसी तरह से सरसब्ज रहते हैं, कोई प्रोटेक्शन, कोई साया, कोई कवरिंग तुम्हारे ऊपर नहीं होती, उसके बावजूद तुम इसी तरह से खड़े रहते हो. कुड मैन बी बोर्ड एज दाउ एंड राइज, काश इंसान भी तुम्हारी तरह बाहिम्मत हो सके और बुलंद हो सके. अबव द अर्थ विद द शेल्टरिंग आर्म, जिस तरह से तुम ज़मीन से निकल के अपने बाजू फैलाते हो लोगों को तस्कीन देने के लिए, इसी तरह से इंसान जो है वो भी बुलंद हो के लोगों को आराम पहुँचाए. टू सेव द सफरिंग वंस फ्रॉम हार्म, जो लोग तकलीफ में हैं उन्हें उनकी परेशानियों और तकलीफ़ों से बचाए. फ्रॉम सोरोज पॉवर्टी एंड वाइस, पॉवर्टी गुरबत, सोरोज दुख या तकलीफ, वाइस जुल्म या मॉरल वीकनेस, यानी इन तमाम बुराइयों और परेशानियों से इंसान को बचाए. इंसान ही के लिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से नीम जो है वो साया पहुँचाता है, इस तरह से इंसान जो है वो लोगों की परेशानियों को दूर करे. थ्रू सेक्रीफाइस, कुर्बानी दी के. कुड मैन बी स्ट्रेट फास्ट लाइक दी, दी जो है योर के लिए यूज़ होता है.
Could man be steadfast and like thee? काश इंसान भी तुम्हारी तरह साबित कदम हो जाए. Face every fate, would it not be fate, किस्मत का लिखा नसीब. Face every fate, would it not be, और हर किस्मत के लिखे को इसी तरह बाहिम्मत होके बर्दाश्त करें. Fulfillment of life, loftiest dream, जिंदगी के अजीम मकासद को हासिल करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए हिम्मत दिखाए. माई लवली नीम, बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरे प्यारे नीम के गर्म. ओके क्लास, इसका वर्क जो है इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. पोएम को और अबाउट द पोएट्स जरूर रीड कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.